बच्चों की कंप्लीट फिजिकल ग्रोथ के लिए जरूरी है सूर्य नमस्कार। क्या है बोलो? दोनों सामने। ये माताएं बहनें भी जो फिट रहना चाहती हैं, खूबसूरत रहना चाहती हैं, जवान रहना चाहती हैं, ये 5 मिनट कर लेना। कितनी बार कर लेना बोलो? 5 मिनट्स। 100 साल तक जवान रहोगी। और ये बच्चों आप लोग कर लेना कम से कम 2 मिनट। कितनी देर बोलो? 2 मिनट में ये 10 बार हो जाता है कम से कम। वैसे मैं करता हूं तो 14 बार करता हूं, 14 टाइम्स, और बहुत फास्ट करूं तो 15-16 बार भी कर लेता हूं। 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक सबको करना है। दोनों सामने। ये है प्रणाम आसन। क्या नाम है इसका बोलो? श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन। फिर आगे झुक जाओ, पाद हस्तासन, माथा घुटनों से लगाओ। अब दाहिने पैर को यहीं रखेंगे, बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को पीछे ले जाएंगे, पीछे सीधा पैर, दाएं पैर पर ऐसे बैठो, ऐसे ऐसे बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ। ये बैठो बच्चों, ए माताओ बैठ जाओ, ऐसे बैठो, ऐसे दाहिने पैर पर बैठते, दाया भी पीछे। फिर आगे झुक गए, साष्टांग आसन, छाती थोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा आधार। फिर उठ गए सामने से भुजंगासन, उठो कमर नीचे झुकी हुई, कमर नीचे झुका दो, ऊपर उठो भुजंगासन। फिर बीच से उठा दिया पर्वतासन, घुटने सीधे, सिर झुका हुआ, एड़िया जमीन पर, बाएं पैर आगे, वाम अश्व संचालन आसन, नाम भी बताता जा रहा हूं। फिर दाहिना पैर भी आगे, पाद हस्तासन। फिर ऊपर ऊर्ध्व हस्तासन। फिर दोनों हाथ देखो ऐसे ऐसे आएंगे, ऐसे। फिर से प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन। अब आगे झुक जाइए, पाद हस्तासन, सांस बाहर। फिर दक्षिण अश्व संचालन आसन, दाहिने पैर पर बैठ गए, पीछे वाला पैर सीधा, फिर दाहिना भी पीछे, एड़िया जमीन पर, सिर झुका के नाभि को पेट को देखते हैं। ये पर्वतासन हुआ, दोनों घुटने जमीन पर, छाती थोड़ी भी जमीन पर, पेट थोड़ा अदर टच करेंगे, नीचे आराम नहीं करेंगे। ये साष्टांग आसन के बाद सामने से उठ गए भुजंगासन, फिर बीच से उठे, फिर बाया पैर आगे पर्वतासन के बाद वाम अश्व संचालन आसन, फिर दाहिना पैर आगे, माथा घुटनों से लगा पाद हस्तासन, फिर हाथ ऊपर, और दोनों हाथ ऐसे 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 लाना, ऐसे ऐसे, ये तरीका है।